दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऊंट के पैर गतिदार क्यों होते हैं? दरअसल ऊंट को प्रकृति ने रेतीले इलाकों में रहने योग्य बनाया है। इसी कारण ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। जब ऊंट को रेत में चलना पड़ता है तो उसके पैर चौड़े और गतिदार होने के कारण रेत के अंदर नहीं धंसते और वह आसानी से रेत पर चल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि रेत बहुत ज्यादा गर्म होती है और वहाँ चलना बहुत मुश्किल होता है। ऊंट के पैर में गद्दे होने की वजह से वे उस गर्म रेत पर आसानी से चल पाते हैं। ऊंट को आप रेत में कितने भी देर चला सकते हैं, वे उस रेत में आसानी से चल पाने में सक्षम होता है। दोस्तों, वीडियो थोड़े से भी पसंद नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।